हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैन बी डन में। और आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स की, जिसे लिखा है आर के नारायण ने। ये बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आर के नारायण बहुत ही सरल और सहज तरीके से लिखते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन आप अपने बचपन की यादों में लौट जाएंगे। स्वामी रहता है मालगुडी नाम के एक फिक्शनल टाउन में, जिसको क्रिएट किया है आर के नारायण ने, और ये बसा है सरयू नदी के किनारे। तो स्वामी और उसके दोस्त अपने जो फुर्सत के पल्ले में गुजारा करते हैं इसके तट पर, और वहीं पर ही अपनी सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। कहानी शुरू होती है मंडे मॉर्निंग के दिन, जो कि स्वामी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उस दिन उसे जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी उठकर उसे अपना होमवर्क करना पड़ता है, फिर तैयार होना है, और तैयार होने के बाद उसे अपने स्कूल जाना है जिसका नाम है एल्बर्ट मिशन स्कूल। अब स्वामी स्कूल जाता है तो स्कूल में भी कुछ लोग होंगे, तो उसके क्लास टीचर जो हैं वो हैं मिस्टर वेद नायगम, जिनकी अंगारों जैसी आँखें हैं और वो मैथ्स पढ़ाते हैं, और वही स्कूल के हेडमास्टर भी हैं। लेकिन एक बार स्वामी, क्योंकि स्वामी एक नॉर्मल सा बच्चा है, उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, उसे पसंद है अपने दोस्तों के साथ तफरी करना, घूमना फिरना और बातें करना, तो सवाल गलत कर देता है मैथ्स के तो उसको सज़ा मिलती है। तो तब से उसे मैथमेटिक्स भी पसंद नहीं है। उसे हिस्ट्री के टीचर बहुत पसंद है मिस्टर पिल्ले, जो कि बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं, और खून खोल जाता है स्वामी का अपने स्क्रिप्चर टीचर के नाम से, जिनका नाम है मिस्टर एबनेज़र। अब स्क्रिप्चर क्या होता है? स्क्रिप्चर एक सब्जेक्ट है जिसमें क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये कहानी है तो हिंदुस्तान की, परंतु हिंदुस्तान कब का हिंदुस्तान? जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के अधीन था। 1935 में नॉवल पब्लिश हुई तो उस समय अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पर, तो स्क्रिप्चर पढ़ाया जाता है, यानी क्रिश्चियनिटी को हमारे ऊपर एज अ सब्जेक्ट पढ़ाकर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। तो स्वामी को दो बातें नहीं पसंद आती हैं। एक तो जो मिस्टर एबनेज़र हैं वो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा जो भगवान है कृष्ण, जिसे तुम भगवान मानते हो, वो तो एक ग्वाला है और लड़कियों के संग डांस करता है, मक्खन चुराता है, दही चुराता है, ये तुम्हारा कैसा भगवान है? तो पलट के स्वामी गुस्सा आता है, क्योंकि स्वामी आग बबूला होता है। तो स्वामी पूछ लेता है कि जीसस कैसे भगवान है कि वो तो वाइन पीते हैं और फ्लैश खाते हैं, क्योंकि बीइंग अ ब्राह्मण बॉय, क्योंकि एक ब्राह्मण लड़का है स्वामी, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, कि ऐसा कैसा धर्म है कि जिसमें मांस खाना और मदिरा पीना अलाउड है। ये तो रहे उसके स्कूल के टीचरों के किरदार। अब आते हैं उसके दोस्तों पर। उसके जो दोस्त हैं खास, उनमें पहला है मनी। मनी जो है उस क्लास का, इसकी क्लास का बॉस है, सबसे लंबा चौड़ा लड़का है, निर्धन परिवार का है, लेकिन अपनी क्लास का उसे हीरो समझ सकते हैं, क्योंकि वो किसी से भी लड़ने से नहीं चूकता और सारी क्लास के लड़के उसे हीरो समझते हैं। इसका एक और दोस्त है सोमू, जो कि क्लास का मॉनिटर है, और शंकर इनकी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। इनका एक और दोस्त है सैमुअल, जिसका साइज ऐसा है, क्योंकि वो छोटा सा है तो उसे मटर का दाना बोलते हैं सब, यानी कि उसका नाम है पी। अब ये बात कर रहे हैं सरयू नदी के किनारे बैठकर, और इनकी जो बातों का आजकल मुख्य मुद्दा है वो इनकी क्लास में नया आया हुआ लड़का राजम, वो काफ़ी इंटरेस्ट का विषय है, उसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि दो खास बात हैं जिसकी वजह से वो सब उसकी आजकल इज्जत करने लगे हैं। आजकल इनके स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, क्योंकि एक तो वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है, ऐसा लगता है कि कोई नेटिव स्पीकर बोल रहा है, यानी वो यूरोपियंस वाले एसेंट में ही इंग्लिश में बात करता है। पढ़ने में भी अच्छा है, और उसका रहन सहन भी इन बाकी सारे बच्चों से अच्छा है, क्योंकि वो पुलिस सुपरिटेंडेंट का बेटा है। और जिसके क्लोज है स्वामी, अब ये लोग इसे, जो लड़का है राजम, उसको बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन धीरे धीरे जैसे मुलाकातें बढ़ती जाती हैं, और इसी सरयू नदी के तट के किनारे ये सब आपस में दोस्त बन जाते हैं। स्वामी के घर में उसकी मम्मी हैं लक्ष्मी, जो कि गर्भवती हैं, उसके फादर हैं जो कि सरकारी वकील हैं, और उसकी दादी माँ हैं जिनके वो काफ़ी क्लोज है। दादी माँ से वो अपनी काफ़ी सारी बातें शेयर करता है, और जो उसका नया दोस्त बना है उसके बारे में भी जो उसे अच्छा लगता है वो भी अपनी दादी माँ को बताता है। जल्दी ही वीकेंड आ जाता है और स्वामी अपने पिता के घर से बाहर जाने का इंतजार करता है, जिससे कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलने जा सके, खेलने के लिए जा सके। उसे पसंद है टाइम बिताना राजम के साथ, तो उस दिन वो जाते हैं राजम के घर पे, और जाता है साथ में मनी, लेकिन वहाँ पर राजम थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है, क्योंकि वो सुपरिटेंडेंट का बेटा है। अगले दिन जब ये स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर टेल, टेल यानी कि पूंछ, क्योंकि अब जो अपने दोस्तों को जो समय देता था
स्वामी वो अब ज़्यादा समय व्यतीत करने की कोशिश करता है राजम के साथ, क्योंकि राजम उसका नया दोस्त है और वो भी बहुत इम्प्रेस्ड है। उसका नाम पूंछ इसलिए रख देते हैं क्योंकि जैसे कि गधे की पूंछ होती है, कुत्ते की पूंछ होती है, तो उस तरह से वो ऐसा रख देते हैं कि ये राजम की पूंछ है। ये बात राजम को, ये बात बहुत अपसेट कर देती है स्वामी को, और स्वामी समझ लगता है कि अब मेरे दोस्त नहीं रहे और ये मेरे दुश्मन हो गए, इसलिए वो ढंग से इंजॉय भी नहीं कर पाता। लेकिन जिस समय का ये वाक्य है तो राजम और मनी वहाँ पर नहीं होते और उन्हें कुछ नहीं पता होता। अब क्योंकि राजम के यहाँ जब गए थे तो उसका घर देखकर और उसका एटीट्यूड देखकर कि हाँ मैं तो सुपरिटेंडेंट का बेटा हूँ, तो आगे ऐसा प्लानिंग होती है कि राजम प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे यहाँ सैटरडे को आऊँगा। तो क्योंकि इसके फादर का रूम घर में सबसे अच्छा है, क्योंकि उसके फादर एक सरकारी वकील हैं, तो अपने फादर से रूम बोरो करता है कि मैं आपका रूम जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, और अपनी माँ से भी रिक्वेस्ट करता है कि रोज़ जैसा खाना बनाती हैं उससे आज अच्छा खाने बनाएं, क्योंकि आज उनके घर पर उसका दोस्त और घर का मेहमान राजम आने वाला है। सब कुछ बहुत स्मूथली जाता है, लेकिन वापस आते हैं तो देखते हैं कि बोर्ड पर टेल लिखा हुआ है, यानी जब वो स्कूल जाते हैं इतना देखते ही आग बबूला जाता है और लड़ाई जो है शुरू हो जाती है। तभी मनी और राजम आते हैं और मनी को जैसे ही सारा किस्सा समझ में आता है तो वो लड़ना शुरू कर देता है सोमू के साथ। अब इसके बाद इन सब में झगड़े हो जाते हैं, क्या करें, बात आई गई हो जाती है। कुछ दिनों बाद राजम, क्योंकि एक समझदार लड़का है, इन सबको इनवाइट करता है अपने घर पर और बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है। वहाँ सभी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अरे सारे दुश्मन जो हैं, जो कि अब दुश्मन बन चुके हैं, जो कभी पहले दोस्त थे, इकट्ठे हैं। तब राजम सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इन सबको दोस्ती के ऊपर एक लेक्चर देता है और ये भी बताता है कि वेदों में लिखा है कि जो दोस्ती को नहीं निभाते उनका क्या हश्र होता है। तो इस तरह से, यानी जो दुश्मन मानते हैं उनके साथ वेदों में क्या हश्र होता है। थोड़ी देर बाद ही वो इन सबको अपनी स्पीच खत्म करने के बाद गिफ्ट देता है और जो दुश्मन बन गए थे सारे छोटे बच्चे वो वापस से दोस्त बन जाते हैं। इधर क्योंकि स्वामी की माताजी लक्ष्मी गर्भवती थी तो उनको बेबी पैदा होता है और इस बात से ही बहुत एक्साइटेड है और नए दिन स्कूल में अगले दिन जाकर दोस्तों खबर देता है कि उनके घर में एक विचित्र सा नया प्राणी और आ गया है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा है क्योंकि एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, चारों तरफ एग्जाम का प्रेशर है, लोगों का सारा ध्यान पढ़ाई पर है और स्वामी का सारा ध्यान अपनी दोस्ती निभाने पर है। और स्वामी के पिताजी भी आजकल पीछे पड़े हैं कि उसे पढ़ाई करना चाहिए, तो उसका घर से निकलना जो है वो काफ़ी कम हो गया है, तो अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा है वो, तो अपना समय पहले, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ सोता था, मदर भी बिजी है, उसके खाने पीने का भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो अपना सारा ध्यान वो भी जो घर में नए आए मेहमान पर लगा देता है। तो इसी के साथ ही कहानी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अब क्योंकि पढ़ना भी है तो वो पढ़ने की कोशिश करता है, मन तो उसका पढ़ने में लगता नहीं है, तो वो मैप्स ड्रॉ करने की कोशिश करता है। तो जैसे वो कंटेंट्स को देखता है तो यूरोप को देख के लगता है कि अरे ये तो कैमल के हेड जैसा है, तो उसे समझ में नहीं आता कि किसने ऐसे नक्शे बनाए होंगे और क्यों बनाए हैं और किसने जाके नापा है कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस प्रकार की शेप है। एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सबको पढ़ाई की टेंशन है, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, जिनका मन नहीं लग रहा है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और जिन्हें लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, तो मनी उनमें से ही एक ऐसा लड़का है उसका जो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ एक चौकीदार से वो ऐसा अरेंजमेंट करने की कोशिश करता है कि पेपर जो है वो लीक हो जाए, परंतु उसको मैं संभव नहीं हो पाता। एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं और स्वामी बड़े बड़े आंसर्स लिखने के बजाय छोटे छोटे आंसर्स लिखता है, और इससे पहले कि एग्जामिनेशन ख़त्म होने की घंटी बजे उससे काफ़ी पहले एग्ज़ाम से निकल आता है। जब एग्जामिनेशन ख़त्म होता है तो छुट्टियां लगने से पहले प्रेयर होती है, प्रेयर होने के बाद जब अनाउंसमेंट हो जाता है कि छुट्टियां होने वाली हैं तो सब बच्चे खुशी मनाते हैं, एक दूसरे के कपड़ों के ऊपर इंक डालकर, जैसे कि होली का त्यौहार ही आ गया हो। छुट्टियां हो चुकी हैं लेकिन छुट्टियों में मन लगे कैसे, सारा दिन बच्चा करे क्या, तो उसे मालूम है कि छुट्टियां मेरी कटेंगी नहीं जब तक कि मेरे पास कोई ढंग का खिलौना ना हो। तो खिलौने में स्वामी को चाहिए होती है जो साइकिल का रिम होता है, बच्चे पहले उससे खेला करते थे, आज भी गांवों में बच्चे हिंदुस्तान के खेलते हैं, तो उस रिम को लकड़ी डालकर चलाते हैं। तो रिम का अरेंजमेंट करने के लिए वो कोचमैन से संपर्क करता है, परंतु कोचमैन उसे धोखा दे देता है, तो उस धोखे से क्रोधित होकर वो अपने दोस्तों के साथ कोचमैन के बेटे को किडनैप कर लेता है, टोपी का लालच देकर कि तुझे हम एक रंग बिरंगी टोपी देंगे छोटे से बेटे को, उसको ये दिखाने के लिए कि तुम ही अकेले समझदार नहीं हो, हम भी समझदार हैं। अब ये बात तो यहाँ तक ठीक रही, लेकिन स्वामी जो है वो अपने फादर के जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा होता है, लेकिन अब इसकी तो छुट्टियां हो गई हैं, फादर कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद स्वामी के पापा की भी कोर्ट की छुट्टियां लग जाती हैं। स्वामी के पापा की कोर्ट की छुट्टियां लग जाती हैं, अब वो उसे फोर्स करते हैं, क्योंकि उन्हें देखा नहीं आता कि बच्चा सारा दिन खेल रहा है, तो फोर्स करते हैं कि पुराने साल के लेसन्स को वो याद करेगा। तो ये बात स्वामी को बहुत इरिटेट करती है, उसे डांट भी पड़ती है, लेकिन शाम को उसके फादर को
अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने उसको इतना डांटा, तो उसे कंपेंसेट करने के लिए वो उसको ले जाते हैं क्लब। छुट्टियों का समय है, सब चीज़ें चल रही हैं इधर, क्योंकि आज़ादी का संग्राम जो है, स्वतंत्रता संग्राम, वो ज़ोरों पर है। और एक जो आज़ादी के फाइटर हैं, कौन, गौरी शंकर, पॉलिटिकल लीडर हैं बॉम्बे से, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो उनको अरेस्ट करने के विरोध में यहाँ पर भी, यानी मालगुड़ी में भी कैसा चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। स्वामी का ब्लड जो है वो वहाँ पर देशभक्ति की बातें सुनकर, जोश भरी बातें सुनकर एकदम वो भी देशभक्ति से भर जाता है। और वहाँ पे जो नारे लग रहे हैं वो भी बड़े मज़ेदार हैं और जोश जलाने वाले हैं, कि अभी सब लोग थूकने भी लगें तो इतने लोग थूकेंगे हिंदुस्तान से कि यूरोप जो है, यानी इंग्लैंड जो है, वो तो हिंदुस्तानियों के थूक में ही बह जाएगा। ये बातें उसको बहुत प्रभावित करती हैं, उसके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। भीड़ जो है वो थोड़ी सी उग्र होती जा रही है, तभी वहाँ पर वो देखता है कि इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कौन आए हैं, राजम के पापा, क्योंकि वो पुलिस के सुपरिटेंडेंट हैं। तो उनको देखते ही लगता है कि अरे तो मतलब ये लोग तो गद्दार हैं, ये तो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं। और एक्चुअल में उस समय जो ब्रिटिश फोर्सेज में काम करते थे जो इंडियंस, वो भी ब्रिटिशर्स के कहने पर कुछ भी इंडियंस के ऊपर अत्याचार करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन भीड़ जो है वो रुक नहीं है, तो फाइनली चार्ज की आवाज़ होती है और उनके ऊपर लाठी चार्ज शुरू हो जाता है। ये लाठी चार्ज शुरू होने से पहले ये लोग जब हंगामा कर रहे होते हैं विरोध करने के लिए, तो स्वामी ने कैप पहनी होती है, तो वहाँ पे सब बोला जाता है कि भाई ये कैप तो खद्दर की नहीं है, तो क्या तुम तो इसे आग में फेंक सकते हो। तो स्वामी अपनी देशभक्ति प्रूव करने लिए उस कैप को भी फेंक देता है। तब ये लोग इधर उधर पत्थरबाजी करनी शुरू कर देते हैं और एक जगह की खिड़कियाँ जोश में आकर स्वामी भी तोड़ देता है। तब लाठी चार्ज शुरू हो जाता है। लाठी चार्ज शुरू होने के बाद काफ़ी लोग घायल होते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। स्वामी भी दौड़कर अपने घर वापस आ जाता है। बाद में जब नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर चौकीदार बताता है कि खिड़कियाँ जो हैं वो स्वामी ने ही तोड़ी हैं। इसका उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो इस इल्ज़ाम से बचने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं बच पाता। अब उसको सज़ा मिलनी तय है। उस सज़ा से मिलने के लिए स्वामी वहाँ से भाग जाता है और फाइनली उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो स्वामी की जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो एकदम से उथल पुथल से भर जाती है। अगर आपको यहाँ तक की कहानी अच्छी लगी और आप ये जानना चाहें कि आगे क्या होगा, कि स्वामी वापस अपने स्कूल से डिसमिस तो हो गया, जा पाएगा नहीं जा पाएगा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी चीज़ लाइफ में, उसकी दोस्ती, उसके दोस्तों का क्या होगा, यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके हमारे अपने चैनल कैनबीडन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।